Durga Puja is around the corner and I thought of sharing one of my favorite recipes with you. Aludam, let's make this. तो चलिए बनाते हैं ये सिंपल बंगाली स्टाइल आलू दम। अपने स्टाल प्रेशर कुकर को खोल लीजिए और इसमें डालिए छोटे बेबी पोटेटोस। आप इसे नॉर्मल रेगुलर साइज पोटेटोस के साथ भी बना सकते हैं, उसे बस कट करके प्रेशर कुकर में डालिएगा। इसमें हम डालेंगे पानी, लिड को बंद करके इसको पकने दें। स्टाल एक्सप्रेस प्रेशर कुकर में आलू बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, तो थोड़ा कूल करके इसे हम पील कर लेंगे। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे ताकि हम इसे इजीली और फटाफट बना लें। एक बड़ी कढ़ाई को हल्का सा गरम करें और इसमें डालें सरसों तेल। तेल हल्का सा गरम हो जाने के बाद इसमें डालें तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा, एक चुटकी हींग। इसे 10 से 20 सेकंड तक पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चॉप्ड अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ मैं डाल रही हूँ। अब हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। अब हीट को हाई करके इसमें डालें थोड़ा नमक। नमक से टमाटर जल्दी कुक होना शुरू हो जाएगा और हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड मशी हो जाए। तब तक साइड में हम ग्रीन चिलीज लेके उसे हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा खुल जाए और इसे डाल देंगे टमाटर में। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और मैं इसमें हल्का सा चीनी भी डाल रही हूँ। अब जब टमाटर पूरे तरीके से कुक हो गया है, इसमें हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड पोटेटोस। पोटेटोस में थोड़ा ज्यादा कलर लाने के लिए आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट वो इस डिश को थोड़ा ज्यादा ऑयली कर देता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसे बिना फ्राई करे ही डालूं। पोटेटोस डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसे हाई हीट पे तब तक कुक करेंगे जब तक ग्रेवी थिक हो जाए। सर्व करने के लिए इसे ट्रांसफर करें एक बड़ी सी बोल में और फ्रेश कोरिएंडर के साथ इसे गार्निश करके सर्व करें। तो आपने देखा ये आलू दम कितनी ज्यादा सिंपल है। इस दुर्गा पूजा यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एंड इसे क्लब करें कचौड़ीज के साथ। देयर अ मैच मेड इन हेवन।